2002 की बात है, जब न्यूज़पेपर से लेके टेलीविजन तक बस एक ही चीज चर्चा में थी कि कैसे एक अखबार बांटने वाला लड़का जो कि पायलट बनने आया था बट फिर एक स्पेस साइंटिस्ट बन गया, वो आज हिंदुस्तान के 11वें प्रेसिडेंट बनने की कगार पे खड़ा है। पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता ना होने के बावजूद उन्होंने इस दर्जे को हासिल कर दिखाया। डॉक्टर कलाम रामेश्वरम में पले बड़े थे, जो कि तमिलनाडु की सबसे रिलीजियस जगहों में से एक है। जब डॉक्टर कलाम 8 साल के हुए तो देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसने कंट्री में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। न्यूज़पेपर्स का बंडल भी जो सिटी में आना होता था वो रामेश्वरम पहुंचने से पहले ही चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई इन्हीं न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करके इनके ठेकेदारों की मदद करके ही करी थी। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते ही डॉक्टर कलाम ने अपने फादर से फिर श्वार्ट्ज हाई स्कूल जाके पढ़ने की परमिशन मांगी। इस नई जगह पर उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम अपने टीचर अय्यादुराई सोलोमोन से जिंदगी के ऊपर कुछ अच्छी बातें सीखने में बिताया। अय्यादुराई सोलोमोन कहते थे कि अगर इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वो अपनी आने वाली डेस्टिनी तक बदल सकता है। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से एजुकेशन पूरी करके उन्होंने फिर सेंट जोसेफ कॉलेज से अपनी बीएससी पास करी और उसके बाद किसी तरह उनका नाम फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ गया। बट इस कॉलेज की फीस बड़ी महंगी थी, तो उस वक्त डॉक्टर कलाम की मदर ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर उनके हाथ में फीस के पैसे थमा दिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करी और फिर एज अ ट्रेनी उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करने को भी मिला। HAL से ट्रेनिंग पूरी करके उन्हें आगे दो अपॉर्चुनिटीज मिली, पहली एयरफोर्स की और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की। डॉक्टर कलाम ने दोनों जगह अपनी एप्लीकेशन भेज दी और दोनों जगह उसे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। किसी कारण एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका और वो बहुत उदास हुए, बट फिर डिफेंस में उन्हें 250 रुपए पर मंथ की सैलरी पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब मिल गई। 3 साल बाद उन्हें बैंगलोर ट्रांसफर कर दिया गया और उसके 1 साल बाद डॉक्टर कलाम द इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में एज अ रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट पर जॉब लेते हुए मुंबई चले आए। यहां उन्होंने जी जान से अपना काम करा, जिसकी बदौलत एक समय ऐसा आया जब इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ने उन्हें 6 महीने के लिए नासा भेज दिया रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। यदि आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट करेंगे तो आपको हर किसी को सैल्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर कलाम के नासा से आने के तुरंत बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जो कि बेहद कामयाब रहा। उसके कुछ सालों के बाद उन्हें अपने करियर में एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जब उनकी टीम का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV लॉन्च करने के 300 सेकंड के अंदर अंदर ब्लास्ट हो गया और उसका मलबा समुंदर में जा गिरा। वो बहुत निराश हुए, मगर किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर और रिसर्च करनी चालू कर दी और जब भारत का अगला SLV लॉन्च हुआ तो उसने हर हिंदुस्तानी नागरिक का सर गर्व से ऊंचा कर दिखाया। वो बिना किसी दिक्कत के स्पेस में पहुंच चुका था और उस दिन हिंदुस्तान उन देशों की लिस्ट में जुड़ गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत थी। फिर डॉक्टर कलाम का हिंदुस्तान की पहली मिसाइल लॉन्च करने में भी बहुत बड़ा हाथ रहा।